भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्ध आश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे नशा मुक्त बांदा खुशहाल पांदा बनाने के, जहां नव वर्ष में लोग बियर बार इत्यादि अनावश्यक में समय लिप्त करते हैं, वहीं भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा नव वर्ष के उपलब्ध में आज 24 घंटे का श्री दुर्गा चालीसा पाठ पुलिस लाइन के अंदर श्री देवी चरण जी के निवास बांदा भव्यता पूर्ण सम्पन्न किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए पांदा के संगठन जिला टीम प्रमुख दिवाकर सिंह सोनी सिंह ने कहा कि बीत गया जो वर्ष, उसमें जो भी गलती हो उसे त्याग कर नौ वर्ष के साथ नशा मुक्त मांसाहार मुक्त होकर मां भगवती की आराधना करें। इसी क्रम में इसी अभियान में उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन कुमार सोनी जी, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजा कुशवाहा ने बताया कि हमें पूरे गौरव सम्मान के साथ जीना है तो अपने अवगुणों को त्याग करके सत्य की यात्रा में चलना पड़ेगा। नौ वर्ष में हमें युवाओं को और अनित अन्याय अधर्म में लिप्त लोगों को नशा मुक्त मांसाहार मुक्त बनाने का सतत प्रयास करेंगे, जिसमें उनके आने वाली पीढ़ी में अभी से सुधार हो सके। भगवती मानव कल्याण संगठन का लक्ष्य है कि बांदा ही नहीं पूरे देश में नशा मुक्त अभियान होना चाहिए। हर घर नशा मुक्त मांसाहार मुक्त होना चाहिए, तभी एक समाज को अच्छी दिशा मिलेगी और समाज बुराइयों को त्याग कर अच्छे विचार विमर्श कार्यों को करेगा। भगवती मानव कल्याण संगठन का यह प्रयास सतत जारी रहेगा। इस अवसर पर इस नौ वर्ष में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस क्रम में उपस्थित धर्मेंद्र सिंह, पवन कुमार सोनी, भूपेंद्र सिंह गोपाल, पंकज अरविंद, अनुराधा त्रिवेदी, नीलम रजनी सोनी इत्यादि उपस्थित रहे। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमें आपका सोनी सिंह, आज यहाँ पर जो क्रम हुआ प्लस लाइन के अंदर, तो जिस प्रकार देखते हैं कि समाज में बहुत सारी वृत्तियाँ हैं कि लोग नए वर्ष में बियर इत्यादि दारू शराब नशे से लिप्त रहते हैं, तो भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आप क्या निर्देश देना चाहेंगी? हम यही निर्देश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार आज समाज में अनेकानेक तरीके से नया साल लोग मनाते हैं, शराब पीते हैं, रंगरास मचाते हैं, हु हल्ला मचाते हैं, वहीं पर भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा सदस्यों के द्वारा लोगों के घरों में माँ की ज्योति जलाई जाती है ताकि लोग नशा मुक्त हो सके। ये संदेश दिया जाता है कि आप लोग माँ का गुणगान करते हुए अगर नए साल का स्वागत करेंगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके घरों में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी, आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे, कर्मवान बनेंगे। इसलिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि नशा मुक्त होकर के आप लोग नए साल का स्वागत करें माँ का गुणगान करते हुए, ताकि पूरा साल आपको माँ के गुणगान में रहे और आपका जीवन धन्य हो। क्या नाम है आपका? पवन कुमार सोनी। आज यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, जैसे लोग नए वर्ष में बियर बाग इत्यादि में अपना जीवन विलिप्त करते हैं, तो ये भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आप जन संदेश में किस प्रकार का योगदान करेंगे और क्या कहेंगे? भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से हमारे योगीराज परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान शक्तिपति जी महाराज का निर्देशन रहता है, हर नए वर्ष में पुराने साल की विदाई और नए वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में दुर्गा चालीसा के पाठ करवाए जाते हैं। जगह जगह पर हजारों हजारों घरों में यह क्रम करवाए जाते हैं, जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन आता है, लोग नशा मुक्त होते हैं, मांसाहार मुक्त होते हैं और चरित्रवान का जीवन जीते हैं। हमारा जो युवा वर्ग पतन की ओर जा रहा है, उस पतन को रोकने का एकमात्र यही साधन है कि अगर चालीसा पाठों के माध्यम से लोगों को नशा मुक्त कराया जाए, मांसाहार मुक्त कराया जाए, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।